कोरोना वायरस महामारी दुनिया भर में अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा हुआ है। इस प्रकोप से लड़ने के लिए भारत के टॉप कॉरपोरेट घराने सामने आए हैं, जिन्होंने अपना कीमती दान पीएम केयर्स फंड में दिया। इन कंपनियों ने न केवल अपना फंड दिया बल्कि मेडिकल इक्विपमेंट और फेस मास्क भी प्रोवाइड किया। आज हम इनमें से कुछ कंपनियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 11 पे है भारतीय एयरटेल। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल ने पीएम केयर्स फंड में 100 करोड़ रुपए का योगदान दिया है ताकि मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीद सके। नंबर 10 पर है बजाज ग्रुप। बजाज ग्रुप ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए की मदद की है। यह अब तक की सबसे बड़ी कोरोना वायरस डोनेशन है जो किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की तरफ से दी जा रही है। बजाज ग्रुप कोरोना वायरस के लिए मेडिकल इक्विपमेंट भी उपलब्ध करवाएगा। नंबर 9 पर है इन्फोसिस। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती सुधा मूर्ति ने पीएम केयर्स फंड में 100 करोड़ रुपए की योगदान की घोषणा की। 100 करोड़ में से वे पहले ही इसका आधा हिस्सा यानी 50 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दे चुके हैं। रिमेनिंग फंड को पूरे भारत में कोविड-19 रोगियों के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल की कैपेसिटी को एक्सपांड करने के लिए दान किया गया है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। नंबर 8 पर है ITC। FMCG की दिग्गज कंपनी ITC लिमिटेड ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सक्षम करने के लिए 150 करोड़ रुपए का दान किया है। इस फंड का उपयोग मुख्य रूप से समाज के कमजोर और सबसे जरूरतमंद तबके को राहत देने के लिए किया जाएगा, जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उनकी आजीविका में व्यवधान का सामना करना पड़ा है। इससे पहले कंपनी ने अपने हैंड वॉश की कीमतों को कम कर दिया था ताकि उन्हें घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इसे अधिक अफोर्डेबल बनाया जा सके। नंबर 7 पर है HDFC ग्रुप। फाइनेंशियल सर्विसेज की HDFC ग्रुप ने पीएम केयर्स फंड के लिए 150 करोड़ रुपए दिए हैं। यह अमाउंट सरकार के राहत और पुनर्वास के लिए खर्च किया जाएगा। नंबर 6 पर है LNT ग्रुप। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने कोरोना वायरस प्रकोप से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड को 150 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की और कहा कि वह लगभग 1.60 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्करों का सपोर्ट करने के लिए 500 करोड़ रुपए प्रति माह अलग रखा है। नंबर 5 पर है डीमार्ट। एवेन्यू सुपर मार्ट के प्रमोटर मिस्टर राधाकृष्ण दमानी ने पीएम केयर्स फंड और दूसरे राज्यों के रिलीफ फंडों को टोटल 155 करोड़ रुपए का दान किया है। मीडिया में कंपनी ने एक बयान में कहा कि इसमें से 100 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड और 55 करोड़ रुपए 11 राज्य सरकारों के रिलीफ फंड में जाएंगे। डीमार्ट ने अपने समूह की कंपनी ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट के जरिए ये दान किया है। नंबर 4 पर है आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला समूह ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश के प्रयासों के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि पीएम केयर्स फंड को दान करने और वेंटिलेटर और मास्क की आपूर्ति करने की योजना बनाई है। एक प्रेस बयान के अनुसार 400 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड को दान में दिए गए, जबकि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आदित्य बिरला CSR सेंटर फॉर एक्सीलेंस को 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1 मिलियन N95 मास्क और 2,80,000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट साथ ही वेंटिलेटर्स की आपूर्ति के लिए 50 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। बिरला ग्रुप ने पहले ही टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के सपोर्ट से 1 मिलियन ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और 1,00,000 कवरऑल कपड़ों के उत्पादन की शुरुआत कर दी थी। नंबर 3 पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पीएम केयर्स फंड को 500 करोड़ रुपए दान करने के अलावा यह महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 5-5 करोड़ रुपए भी दिए हैं। मुंबई में 100 बेड वाले कोरोना वायरस हॉस्पिटल के अलावा प्रतिदिन 1,00,000 प्रोटेक्टिव फेस मास्क, NGO के माध्यम से जरूरतमंदों को 50,00,000 मुफ्त भोजन और कोविड-19 रोगियों को ले जाने वाले आपातकालीन वाहनों को ईंधन प्रोवाइड रिलायंस फाउंडेशन कर रहा है। नंबर 2 पर है ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशन। ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अन्य पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए पीएम केयर्स फंड में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया है। ONGC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शशि शंकर ने कहा कि कंपनी ने अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से 300 करोड़ रुपए दिए, जबकि कंपनी के कर्मचारियों ने 2 दिन के वेतन का योगदान दिया, कुल मिलाकर 16 करोड़ रुपए।
ONGC का 300 करोड़ रुपए के साथ टॉप कंट्रीब्यूटर, जिसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 225 करोड़ रुपए, प्राइवेटाइजेशन बाउंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 175 करोड़ रुपए, जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 120 करोड़ रुपए के साथ कर्मचारी वेतन 6.31 करोड़ रुपए का योगदान दिया। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपए, गैस यूटिलिटी गेल ने 50 करोड़ रुपए और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 38 करोड़ रुपए दिए। नंबर एक पर है विप्रो ग्रुप। विप्रो ग्रुप और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 1125 करोड़ रुपए का दान करते हुए कहा कि यह दान महामारी के खिलाफ लड़ाई की फ्रंट लाइन में समर्पित मेडिकल और सर्विस फ्रेटर्निटी को सक्षम बनाने में मदद करेगा। इस डोनेशन में से विप्रो ने 100 करोड़ रुपए, विप्रो एंटरप्राइजेस ने 25 करोड़ रुपए और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि प्रकोप को रोकने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पर कार्रवाई भी करेगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। आने वाले वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए HR गुरु इन्फो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।